Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. If you want to join Merchant Navy, this video is really important for you because इस वीडियो के अंदर हम कैसे आप Merchant Navy join करेंगे, which courses that you can join, we'll talk about that in detail. Let's move ahead. So about courses, you can join Merchant Navy after class 10th, you can join Merchant Navy after class 12th, you can join Merchant Navy after diploma. You can join Merchant Navy after graduation. You can join Merchant Navy after doing your engineering as well. But which course you can do, that we will discuss over here. So let's move ahead. So after class 10th, you can join Merchant Navy by doing GP rating course. अब अगर आप GP rating course के बारे में जानना चाहते हैं, then go to Merchant Navy Decoded website, go to the courses section, go to free courses section. There is a GP rating course over there. You will in that course you can watch all the videos related to GP rating course. यार कौन सा कोर्स करें, कहाँ से करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी है, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज टू ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन, वाउ टू ज्वाइन, हाउ टू फिल द फॉर्म, पूरी जानकारी मिलेगी वहाँ पे आपको. तो प्लीज़ उस कोर्स को देखिए. बट अगर आप क्लास 10th में हैं, माई सिंपल रिक्वेस्ट इज गो फॉर 11th एंड 12th साइंस एंड देन गो फॉर IMCTN स्पॉन्सरशिप एग्जाम, जिसके बाद आप DNS कोर्स कर सकते हैं या बाकी कोर्स जिसकी मैं बात करने वाला हूं. तो आफ्टर क्लास 12th आप क्या कर सकते हैं वो देखिए. सो आफ्टर क्लास 12th, ओके एक सेकेंड वापस कीजिए बैक साइड. सो आफ्टर क्लास 10 जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए डज नॉट मैटर वेदर फ्रॉम साइंस साइड और कॉमर्स साइड. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल. उसके लिए आपको सीरीज पे जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या करना है. बट आफ्टर क्लास 12th के लिए इन थ्री कोर्सेज दैट इज DNS कोर्स, BSc नॉटिकल साइंस कोर्स, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, 11th 12th में आपके पास साइंस साइड होना जरूरी, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. उसके अंदर मोर देन 60% और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. अगर आपको इन तीन कोर्सेज के बारे में जानना है आफ्टर क्लास 12th एंड यू हैव डन योर 12th फ्रॉम साइंस साइड, देन प्लीज गो टू Merchant Navy Decoded वेबसाइट, गो टू कोर्सेज, गो टू फ्री कोर्सेज सेक्शन. फ्री कोर्सेज सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा ऑन IMCTN स्पॉन्सरशिप. वॉच ऑल दोज वीडियोज इन दैट सेक्शन ऑफ IMCTN स्पॉन्सरशिप. आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ये कौन सा कोर्स है, ये कौन सा कोर्स है, विच कोर्सेज इज, विच इज़ द बेटर कोर्स, वाई दिस इज बेटर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस कंपनी में जाना है, कैसे जाना है, स्पॉन्सरशिप क्या, एवरीथिंग. बट अगर आपने 11th 12th किया है से कॉमर्स साइड से, आर्ट साइड से, देन यू कैन नॉट गो फॉर दीज थ्री कोर्सेज, देन यू हैव टू गो फॉर GP रेटिंग कोर्स. अगेन मैंने पहले बता दिया GP रेटिंग कोर्स के लिए आपको क्या जानकारी चाहिए. बट स्टिल माई रिक्वेस्ट इज कि बिफोर गोइंग फॉर दिस कोर्स, अगर फ्रॉम NIMS ओपन बोर्ड, वेल आई वोंट से NIMS ओपन बोर्ड, बट इफ यू कैन रिपीट अगेन फ्रॉम साइंस साइड एंड देन यू कैन कम बैक एंड गो फॉर दिस कोर्सेज, इट वुड ऑलवेज बी अ बेटर ऑप्शन. क्योंकि यहाँ से आप इन तीन कोर्सेज से यू विल स्ट्रेट अवे बिकम एन ऑफिसर इंजीनियर, और यहाँ से आप रेटिंग बन के शुरू करेंगे, मतलब क्रू से शुरू करेंगे, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ आप आगे पहुँच सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज आफ्टर ग्रेजुएशन. सो इफ यू हैव डन योर BSc, आपने करी हुई है, देन अगेन देर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट यू कैन गो फॉर दिस DNS कोर्स, दिस इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स. अगेन यू हैव टू गो टू Merchant Navy Decoded वेबसाइट, कोर्सेज, फ्री कोर्सेज सेक्शन, IMCTN स्पॉन्सरशिप सेक्शन, IMCTN स्पॉन्सरशिप सेक्शन, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी अबाउट दिस DNS कोर्स यू विल गेट, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स. सपोज यू हैव डन BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यू हैव डन BTech इन मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन और मैकेनिकल प्लस anything, but mechanical word needs to be there, then you can go for GME course, that is Graduate Marine Engineering course. इस course को करने के बाद you can become a marine engineer. Now how to get details about this course, again इसके लिए हम गए थे, course was IMCTN sponsorship in Merchant Navy Decoded. For GME we will go to the course called GME series और GME course. ये free course है, you will get all the information about this course. Similarly in graduation, if you have done graduation in electrical or electronics and electrical or electrical and electronics, electrical and communication, ऐसी जितनी branches हैं, then you can become an electrical officer on board ship. उसके लिए क्या eligibility है, what are the information that you need. Simple thing is go to Merchant Navy Decoded website, go to courses, go to free courses section. वहाँ पर आपको एक ETO series मिलेगी. In that you will find all the details. Which college is better? Why it is better? How to fill the form? Eligibility criteria क्या है? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज Merchant Navy Decoded की कि आप गलत जगह नहीं जाओगे, दैट इज माई प्रॉमिस. नेक्स्ट प्लीज इफ यू हैव डन डिप्लोमा, से यू हैव डन डिप्लोमा आफ्टर योर 10th एंड यू हैव डन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन यू कैन गो फॉर डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, एंड इसके लिए एक IMS गोवा कॉलेज है, इसके बारे में मैंने वीडियोस GME सीरीज़ में डाले हैं, गो अहेड एंड वॉच दो सीरीज़। इफ़ यू हैव डन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन यू कैन गो फॉर ETO कोर्स, सेम लाइक बिफोर, सेम ETO कोर्स। सो हाउ टू फाइंड द डिटेल्स, go to Merchant Navy Decoded, go to courses, free courses, and in the free courses go to the ETO course. Copy it guys. Next, last but not the least, so if you have got any query you can WhatsApp at this number, but before that please do not forget to subscribe Merchant Navy Decoded YouTube channel, because यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी. Best is you can email us out on this email ID, that is teammerchantnavydecoded@gmail.com. We are there to help you, assist you, और कोशिश करेंगे कि आप गलत जगह ना जाए. Merchant Navy become very very successful. जय माता दी.